हम सब ने सुना है परिश्रम का फल मीठा होता है। क्या कभी सोचा है एक ऐसी भी कौम है जो अपने जीवन में सिर्फ परिश्रम करना जानती है पर फिर भी बदले में उसे मिलती है भूख, कर्ज, नाउम्मीद। ये वही कौम है जिसका कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं, बस पहचान है तो उसकी मेहनत, तपस्या, त्याग। किताबों, उपन्यासों और चुनावी दिनों में इस वर्ग को देश का अन्नदाता कहा जाता है और आम बोलचाल में इन्हें किसान कहा जाता है। आज जब आप अपने एसी वाले कमरे, दफ्तर, सोफे या बिस्तर पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पहलू के दूसरी तरफ ये किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए सिर्फ ये उम्मीद कर रहा है कि काश एक और बारिश हो जाए। जब आप 45 डिग्री वाले जून के महीने की दोपहरी में घरों में छिपे होते हैं तब ये किसान अपने खेतों में खड़े होते हैं सिर्फ इसलिए कि जुलाई में इस किसान के बच्चों की स्कूल फीस भरी जानी है। जैसे खुद के भोजन का ठिकाना नहीं, जिसकी नाक बैंक और साहूकारों के ब्याज से दबी पड़ी है, जो व्यवस्था के दमन चक्र का सबसे पहला शिकार है, वो किसान आज अपने खेतों से निकल सड़कों पर है। और कारण है व्यवस्था में बदलाव की एक कोशिश, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं विक्रांत हूं। आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज की बात जुड़ी है वर्तमान में देश के सबसे बड़े सवाल से, जो ये है कि आखिर नए किसान बिल से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्यों इसके विरोध में पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान सड़कों पर उतर आए? क्या इससे कोई पुरानी व्यवस्था बदलेगी या ये पुरानी व्यवस्था थी ही क्या? कोरोना महामारी के दौरान सरकार जून महीने में एक अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश का मतलब होता है जब संसद का सदन ना चल रहा हो और कोई जरूरी कानून बनाना हो तो सरकार राष्ट्रपति की विशेष शक्ति, जो कि उसे संविधान के अनुच्छेद 123 से मिलती है, उस विशेष शक्ति द्वारा राष्ट्रपति से अनुमोदित करवा कर बिल पास करवा सकती है। हालांकि अगले 6 महीने 6 दिन में इसे संसद के दोनों सदनों में पास करवाना जरूरी होता है। इसलिए चूंकि अब विशेष मानसून सत्र शुरू हुआ तो मोदी सरकार भी इन बिलों को संसद में लेकर आई। 17 सितंबर को लोकसभा में और 20 को खूब मार कुटाई के बाद राज्यसभा में बिल पास होकर बाकायदा एक कानून बन गया। लेकिन इस बिल में ऐसा क्या है कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार किसानों की आशंकाओं को दूर करने की ज़रूरत आ पड़ी? इस बिल में आखिर ऐसा क्या है कि नवोदित किसान नेताओं, मंडी के आढ़तियों और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किसानों में से उल्टा सीधा समझा कर उन्हें गफलत में रखकर अपने फायदे की राजनीति में लगे? इतना सब होने के बावजूद अब भी देश भर के किसानों में इस बिल को लेकर संशय बना हुआ। तो पहले इस बिल के विवाद वाले बिंदु जान लेते हैं। सबसे पहली बात फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल की। आप इसे मंडी में फसल उत्पादन को बेचने संबंधी नियमों को बनाने वाला बिल समझ। जब देश आज़ाद हुआ तो देश की 80% से अधिक आबादी कृषि कार्य में लगी थी और बाकी कृषि से जुड़े किसी न किसी व्यापार में। पर किसान की हालत बहुत खराब। मुंशी प्रेमचंदों के उपन्यासों वाले साहूकार, जमींदार किसानों को औने पौने दाम में ब्याज में पैसे देते। जमीन खाद की हालत खस्ता थी, साथ ही फसल को बेचने की भी कोई खास व्यवस्था नहीं थी। किसान की फसल आती तो जमींदार साहब उधार और ब्याज के एवज में खेत से ही उस फसल को उठा ले जाते। किसान फिर उन्हीं से अगली फसल का उधार लेता और ये चक्र यूं ही चलता रहता। लाखों किसान आत्महत्या करते रहे। इसके समाधान के लिए अलग अलग राज्यों ने अपनी अपनी परिस्थिति स्थिति के हिसाब से APMC एक्ट बनाए। मतलब अब राज्यों में कृषि मंडियां बना दी गई। किसान अपना उत्पाद सरकारी गल्ले के अलावा सिर्फ इन मंडियों में ही बेच सकता था। जमींदार अगर जोर जबरदस्ती करता तो उसे सजा का प्रावधान था। साल 1950 के अंत तक ऐसी कुल 286 मंडियां थी, जो 2015 तक आते आते 6,746 हो गई। आज किसान की फसल 3 स्तर पर खरीदी बेची जा सकती है। पहले किसान के किसी छोटे मझोले बिचौलिए अर्थात भरिया को, दूसरा मंडी में, और तीसरा सरकार द्वारा घोषित MSP यानी न्यूनतम खुदरा मूल्य पर सरकारी गल्ले में। पर व्यवस्था जब पुरानी होने लगती है तो बदलते वक्त की सीलन उसमें जंग लगा जाती है। कुछ ऐसी ही इस मंडी व्यवस्था में हुआ। हम आपको सिलसिलेवार रूप से समस्या बताते हैं। दरअसल पुराना एक्ट राज्यों द्वारा बनाया गया था। इसके तहत देश भर में हजारों मंडियां बनी। अगर एक किसान अपने क्षेत्र के बाहर की मंडी में सामान बेचता
तो उसे एक टैक्स देना पड़ता, मतलब मंडियों ने अपने क्षेत्र विशेष पर एकाधिकार कर लिया। अब कोई किसान जब अपने क्षेत्र में सामान बेचने जाता तो एक मंडी के अंदर बहुत सारे मिडिलमैन यानी आड़ती उसे मिलते, उन्हें सरकार से लाइसेंस जारी किया जाता जो मंडी के अंदर किसान की फसल की खरीद फरोख्त करते। मंडी में किसान अपना उत्पाद आड़तियों को बेचता, फिर आड़ती इस फसल को व्यापारी को बेचते। सामान्य हालातों में आड़ती किसान की फसल में कमियां निकालकर उससे मोल भाव भी करते। TFPT ने जब किसानों से बात की तो पता चला कि कभी भी किसी आड़ती ने सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर फसल नहीं खरीदी। आड़ती हमेशा कोशिश करते हैं कि फसल कम से कम दाम पर खरीद सकें। उसके बाद आड़ती 2.5% तक कमीशन भी लेते हैं, मतलब हर 1,000 रुपये की खरीद पर 2.5 रुपये तक कम कर दिए जाते हैं। इसके अलावा मंडियों में पुराने आड़तियों ने एक तरह का कब्जा कर लिया है, एसोसिएशन बना लिया है। अगर कोई नया व्यक्ति उसमें घुसना चाहे तो उसे घुसने नहीं दिया जाता। ये मेरा इसरार अहमद नाम है, सुल्तानपुर खास का रहने वाला, जिला भिवानी। दिक्कत क्या है, पेमेंट लेट मिलती है और गुटबाजी से सस्ता खरीदा जाता है मंडी में। जी सर, ये दिक्कत है, कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। कितने दिन में मिलती है सर पेमेंट आपको? पेमेंट तो एक दो महीने में देते हैं। शिकायत कहाँ करे, सारे अधिकार तो भ्रष्ट है, कौन उसको सुनता नहीं। बीते रोज सरकार इसी दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 लेकर आई। इस नए बिल के द्वारा सरकार ने मंडियों के एकाधिकार को तोड़ दिया। अब किसान बिना किसी रोक टोक के मंडियों के बाहर भी अपना उत्पाद बेच सकता है। मोदी सरकार की ये कवायद कृषि क्षेत्र को मुक्त व्यापार की ओर ले जाने के लिए है, जिसमें अब आड़तियों से फसल खरीदने वाली राइस मिल और व्यापारी सीधे किसान से सेटलमेंट कर सकते हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र में व्यापार के इच्छुक बड़े उद्योगपति भी ऊंचे दाम के एवज में किसानों से उनकी फसल खरीद सकेंगे। इसके अतिरिक्त नए नियम के अनुसार मंडी के ट्रेडर, जिसमें पहले सिर्फ आड़ती आते थे, उसमें भी सुधार किया गया है। नई नियमावली के अनुसार कोई भी पैन कार्ड धारक व्यक्ति जो ट्रेड का इच्छुक है ट्रेडर कहलाएगा। इस सब के बावजूद भी वामपंथी दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, पंजाब और हरियाणा में किसान इस बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। वामपंथी दल अपने पुराने राग लापते हुए कह रहे हैं कि इससे बड़े पूंजीपति एकाधिकार कर लेंगे। इन आशंकाओं की पड़ताल के लिए हमने जितने किसानों से बात की तो पता चला कि उन्हें बताया जा रहा है कि इससे MSP मतलब सरकार द्वारा किसी फसल के लिए तय किया जाने वाला न्यूनतम खुदरा मूल्य खत्म किया जाने वाला है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रधानमंत्री बार बार इस बात को दोहरा भी रहे, नए नियम में किसानों के खून पसीने से पैदा फसल की कीमत बढ़ेगी या नहीं, उनका कर्ज कम होगा या नहीं, उसके घर में रात का चूल्हा जलेगा या नहीं, उसकी आत्महत्या रुकेंगी या नहीं, ये सभी सवाल जस के तस भविष्य में झांक रहे हैं। पर हाँ, ये निश्चित है कि इस नियम से आड़तियों की सत्ता को गहरी चोट पहुँचने वाली है।